हरिद्वार लोकसभा के तहत ऋषिकेश में एक ऐतिहासिक रैली हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कल होने जा रही है, उसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उनकी विधानसभा से 60 बसें जा रही हैं, जिसमें लगभग 3,000 की संख्या हम लोग लेकर जा रहे हैं, और उनकी सारी व्यवस्था हमारे पार्षद और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज करी है, और मैं सोचता हूँ कि सारी रूपरेखा बन चुकी है, रोड मैप बन चुका है, और क्या भारी संख्या में रुड़की विधानसभा से यहाँ से कार्यकर्ता जाएंगे और अपने नेता को सुनेंगे, और मैं समझता हूँ कि एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है और रैली से एक माहौल बदल जाएगा और लोकसभा सीट जो है हम लोग 5 लाख से अधिक से विजयी होंगे। देखिए, युद्ध के मैदान में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़नी चाहिए और पूरी ताकत के साथ युद्ध लड़ना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी का चरैवेति जो मूल मंत्र है, और हम लोग हमेशा योद्धा जो है योद्धाभ्यास करते रहते हैं, तो उसी का परिणाम है कि आज हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, और जो 400 पार का नारा दिया है, जो संकल्प लिया है मोदी जी ने विकसित भारत का, उसको सभी कार्यकर्ता और सभी नागरिकगण पूरा करने के लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि कोई नहीं है टक्कर में, और इस टाइम जो है भाजपा का माहौल बना हुआ है और सब लोगों में ऊर्जा है, उत्सव का माहौल है, भारतीय जनता पार्टी को सब लोग खुशी से वोट दे रहे हैं। देखिए, विकास कार्य चलते रहते हैं और मुद्दे भी आते रहते हैं पर अब ये समय चुनाव का समय है। इस समय लोग चाहते हैं कि देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री बने जिसने 10 साल में देश को ज़मीन से लेके आसमान पे खड़ा कर दिया, और हम आज भारत के लिए गर्व महसूस करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि लोगों में उत्साह है, हम जहाँ भी जा रहे हैं लोग स्वागत कर रहे हैं, लोग चाहते हैं कि हमारी संस्कृति हमारे संस्कार जीवित रहें और भारत देश सोने का शेर बने।